औराद में जन संकल्प यात्रा की पूरी तैयारी और 18 अगस्त को बल्लूर में सीपेट कॉलेज भूमि पूजा। बीदर जिले के औराद बी तालुके में 18 अक्टूबर को माननीय कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा जन संकल्प यात्रा और बल्लूर गांव के सीपेट कॉलेज और भूमि पूजा कार्यक्रम के अवसर पर औराद तालुका पहुँच रहे हैं। माननीय पशुपालन मंत्री एवं यादगिरी जिला प्रभारी मंत्री प्रभु बी चौहान, माननीय गोविंद कारजोला, माननीय श्री रामलु, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा, उमेश यादव इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। फिर एक भाजपा के प्रदेश महासचिव एन रवि कुमार ने प्रेस मीटिंग में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमनाबाद, कलबुर्गी, ग्रामीण, सुरपुरा, अलंत, चितपुर के लिए 3 दिवसीय यात्रा योजना तैयार की गई है। औराद में जन संकल्प यात्रा में करीब 50,000 लोग हिस्सा लेंगे। औराद तालुके के बल्लूरा गाँव में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले सीपेट कॉलेज के भूमि पूजा कार्यक्रम के स्थान का दौरा किया, तैयारियों की जाँच की और अधिकारियों को आवश्यक सलाह। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक डेक्का किशोर बाबू, तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, तालुका पंचायत ईओ बीरेंद्र सिंह ठाकुर और अन्य कार्यकर्ताओं, नेताओं और युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। औराद विधानसभा क्षेत्र के 18 तारीख के नम जनप्रिय मुख्यमंत्री, कॉमन मैन मुख्यमंत्री, इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और ಯಾತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ್ವ ಸಿಎಂ, ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತ ಸಿಪೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಿಂದ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ